हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज वापस से जो पता है हर स्केटर का एक ड्रीम स्केट होता है डीकैथलॉन से, तो समझ गया होगा MF 900 मेरा आ चुका है। बिकॉज पता है कि एक तो ये मुझे लेना भी था MF 900 के बिना, तो पता है आप हम लोग स्केटर बन ही नहीं सकते ऐसा है। दूसरी चीज ये है कि वो मैंने जेस्पो स्पार्कल जो मंगाया था उसका भी मैं अलग से रिव्यू करूंगा कि ऑलमोस्ट दो महीने मैंने चला है और उसका बुरा हाल हो रखा है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए फटाफट मैं अभी इसको ओपन करता हूँ। तो काफी वेटेड है फ्रेंड, ये बहुत ही ज्यादा वेटेड है और एक छोटे शूज के लिए इतना बड़ा सा बॉक्स आया है। डीकैथलॉन का ब्रांडिंग देख रहे हैं और ये मैं मंगाया हूँ डीकैथलॉन के ही साइट से, उसका मैंने ऐप डाउनलोड किया और वहां से ऑर्डर किया। तो प्राइस वगैरह सारा डिटेल मैं अभी दूंगा, तो बिना देर किए मैं पहले अभी इसको ओपन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर तो पूरा कर दिया है, थैंक्स फॉर दिस, और आगे भी सपोर्ट कीजिए फटाफट की जल्दी से 10,000 पूरा करना है और 10,000 के बाद आगे का देखना है, लेकिन पहले 10,000 आप लोग प्लीज पूरा कर दो। अभी तो शूज भी आ गया, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मिलके धमाल करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे ऐसे आया क्या इस तरह? ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा वेट है यार शूज का। यार और कुछ नहीं है डब्बे में, खाली डब्बे में कुछ नहीं है भाई डब्बे में। अरे ये तो बहुत ज्यादा जायंट है यार, ये मैं सोचा नहीं था, बहुत ही बड़ा व्हील है यार इसका। तो आइए फटाफट मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, लेकिन जैसा कि मैं एलन की वगैरह तो देना चाहिए इसमें। ये फ्रेंड एक का वेट करीब ये 1.5 किलो 2 किलो के करीब में वजन है यार, और बहुत सॉलिड फ्रेम यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको मैं थोड़ा भी इसके डिटेल बता देता हूँ, ऐसे पता ही होगा आपको। 255 mm का इसका फ्रेम है, 82 इसकी हार्डनेस है व्हील की, और 110 mm का इसका जो है व्हील है। और मैं लास्ट जो मैं चला रहा था वो 76 mm का चला रहा था, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें करना पड़ेगा मेरे को। तो ये काफी हैवी है फ्रेंड्स, और ये सारा चीजें जो है ओहो, तो इसमें यह भींगने वगैरह का टेंशन नहीं है कुछ भी, ये भींग जाएगा तो भी है प्लास्टिक का, ये पूरा फ्रेम हार्ड है, हार्ड केस है पूरा, वो वाला सॉफ्ट था मेरा शूज। अरे यार मैं ढूंढ रहा हूँ कि एलन की तो यार एटलीस्ट देना चाहिए इसमें, तो इसको मैं कर लेता हूँ साइड यासीस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साथ में ये यहाँ पर एक कुछ इसके जो है मैनुअल टाइप में मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर इसके एक एक्स्ट्रा स्क्रू दिया हुआ है फ्रेंड्स, और दो एलन की इसमें दिए हुए हैं यूजुअल जैसा मिलता है, और साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रेंड्स इसका ब्रेक जो कि एक्सटर्नल है, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो आप लगाओ डिटैचेबल या नहीं है तो नहीं, तो इसके लिए एक बड़ा और छोटा स्क्रू के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा स्क्रू आपको मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छा है। और अच्छा बोलने की बात नहीं है, ऑक्सेलो है तो फिर बोलने की बात नहीं है, ऑक्सेलो नाम ही काफी है। तो फ्रेंड्स ये मेरा अनबॉक्सिंग है, और मुझे देखो अभी 7 नंबर के मैंने मंगाया है ये शूज, तो अभी मैं पहन के देखूंगा इसको कैसे क्या आता है, और थोड़ी मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत भी आएगी स्टार्टिंग में मुझे, क्योंकि ये व्हील उससे ऑलमोस्ट डबल है, 1.5 गुना है इसका व्हील, क्योंकि वो 76 था और ये 110 mm का है, और मैं सोचा भी नहीं था कि दूर से इतनी बड़ी लगती नहीं है आप देख सकते हो, तो काफी हैवी है ये। तो फ्रेंड्स ये है मेरा ऑक्सेलो, तो अब हम लोग ऑक्सेलो के साथ प्रैक्टिस करेंगे, आगे की जो भी वीडियोस आपको मिलेगी मेरे स्केटिंग वाली वो सारा ऑक्सेलो के साथ ही मिलेगी। तो मैं अभी थोड़ा सा अभी नाजुक है तो थोड़ा सा भी चलाने में तो लगेगा, लेकिन वापस से मैं अब इसको रोड पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि वो रोड पे प्रैक्टिस करने वाली शूज नहीं थी जो मैं लास्ट टाइम कर रहा था, लेकिन मैं सीख लिया काफी कुछ, तो अभी मैं इसको अच्छे से चला सकता हूँ, और थोड़ा मैं चला कर भी आपको इसका रिव्यू भी बताऊंगा, और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जेस्पो स्पार्कल का कि 2 महीने के बाद वो ऑलमोस्ट 4,000 के शूज थे, तो 2 महीने के बाद कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा, मैंने कैसा फील किया, तो वो भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल मेरा ये जेस्पो का शूज है, और हाँ बता दूं प्राइस इसके साइड पे, तो ओपन इसकी प्राइस है 9,999 रुपए, और प्लस 150 रुपए इसके शिपिंग चार्ज लगे हैं डिलीवरी चार्ज, तो ऑलमोस्ट 10,000 कुछ रुपए पड़े हैं इसके, तो जो वर्थ लग रहा है ये जो इसका वैल्यू है फ्रेंड्स, इसका इतना वेट है, इतना मटेरियल आपको मिला है, तो थोड़ा मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें एक चीज है कि जो है इस शूज में कि ये वाली चीजें देख रहे हो, तो इसको ऐसे ऐसे बस ये आवाज सुन रहे हो, तो जितने बार मैं कर रहा हूँ उतने बार एक एक स्टेप ये नीचे जा रहा है, टाइट हो रहा है, तो ये अच्छी चीज है। और इसके जो ये है
इसके लेस जो दिए हैं फ्रेंड तो ऑलमोस्ट अच्छे क्वालिटी के ही लेस होते हैं जबरदस्त। और एक यहाँ पर बकल दिया है ये ओपन करने के लिए, और यहाँ पर लॉक है, तो ये भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है नो डाउट, ऑक्सेलो है। और फ्रेंड इसकी प्राइस मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो 13,999 यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये मुझे 9,999 का फिलहाल साइट पे पड़ा है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा ऑक्सेलो, और हर कुछ बोलने की बात नहीं है, ऑक्सेलो है तो आंख बंद करके आप ले सकते हो। शॉक प्रूफ है, शॉक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ये येलो वाला जो यहाँ पर लिखा भी है शॉक ऑब्जर्वर, सेम यहाँ पर भी है कि अब रोड पे चलने वाली जो थोड़ी वाइब्रेशन होती है वो थोड़ा कम फील होगा। और आई थिंक ये वाला जो मटेरियल है इसका निकल जाता है ये वाला, तो आराम से आप डिटेचेबल है निकाल सकते हो इसको, तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और फटाफट वीडियो को लाइक करके आप, और यहाँ पे 900 की ब्रांडिंग भी है यार, मैंने देखा ही नहीं था यहाँ पर, ये बगल पे 900 लिखा हुआ है और फ्रंट में यहाँ पर ऑक्सेलो लिखा है, यहाँ पर भी ऑक्सेलो IMF 900 इस पे लिखा हुआ है, और हर एलन की वगैरह हर कुछ बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। और इसके जो मैं बता दूं वापस से, ओहो क्या बात है, ओहो क्या बात है, बहुत ही फ्री है ऑक्सेलो 900। तो आई होप अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, अच्छा लगा फ्रेंड्स वीडियो को कीजिएगा लाइक, और फटाफट चैनल को कर दीजिए आप लोग सब्सक्राइब करके 10,000 जल्दी से पूरा कर दीजिए, ताकि फिर मजा आने वाला है। तो ये था मेरा ऑक्सेलो फ्रेंड्स, मेरा ड्रीम शूज, और ये मुझे लेना ही था तो ले लिया फ्रेंड्स, मजा आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।